चलो डायरिया में आप देखेंगे किस तरह खुशी खुशी खाना बना रही होगी तेजो फतेह के लिए, और फतेह के लिए खाना बनाते बनाते वो फतेह की सभी फेवरेट चीजें बनाएगी। इस पर खुश होते हुए नजर आएंगे सत्ती और रूपी। दरअसल खाना इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि सत्ती और रूपी की मैरिज एनिवर्सरी है, और इस बात का फायदा उठाते हुए जैस्मिन कहती हुई नजर आएगी लवली को कि हर मैरिज एनिवर्सरी पर मम्मी डैडी गुरुद्वारे जाया करते थे, लेकिन इस बार वो गुरुद्वारे भी नहीं जा पाए क्योंकि तेजो का ख्याल रखना है। इस बात का फायदा उठाकर लवली दरअसल भड़काती हुई नजर आएगी और ये कहेगी कि तुम लोग गुरुद्वारे जाओ, हम लोग संभाल लेंगे तेजो को। इसी बीच आप देखेंगे जैसे ही गुरुद्वारे के लिए निकलेंगे सत्ती और रूपी, पीछे से जैस्मिन घर में दरअसल एक चाल चलेगी। वो लस्सी के अंदर नशे की दवाई मिला देगी और घर वालों को पिला देगी। इतने में फोन आएगा लवली का। लवली और उसका हस्बैंड बाहर चले जाएंगे और बचेगी दादी। दादी को लस्सी पिला देगी जैस्मिन, जिस लस्सी को पीते ही दादी बेहोश हो जाएगी और काफी गहरी नींद में सो जाएगी। इसी बीच कैरम खेलती हुई नजर आएंगी जैस्मिन और तेजो। फिर आप देखेंगे किस तरह से जैस्मिन मौके का फायदा उठाते हुए बीमार होने का बहाना करेगी और कहेगी उसके पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है और दर्द ही ये प्रेगनेंसी का है। वाले इस तरह से आप देखेंगे कि ड्रामा क्रिएट करती हुई जैस्मिन नजर आएगी, एक चाल चलती हुई नजर आएगी और उसकी चाल में फंस जाएगी तेजो। जी हाँ, तेजो समझेगी कि उसे वाकई दर्द हो रहा है और वो कहेगी कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। जैस्मिन हॉस्पिटल के बहाने उसे बाहर ले जाएगी। बाहर ऑलरेडी एक ऑटो रिक्शा तैयार होगा, जिस ऑटो रिक्शा में जैस्मिन का जानकार एक बदमाश बैठा होगा। उसे इशारा करेगी और जैस्मिन उस ऑटो रिक्शा में बिठा लेगी तेजो को, और तेजो को बिठाकर रास्ते भर ड्रामे करती हुई जाएगी और ये कहती हुई जाएगी कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ऐसे में तेजो ज़्यादा नहीं सोच पाएगी और सिर्फ ये सोचेगी कि उसका दर्द कैसे कम किया जाए, और इसी तरह घुमाते घुमाते तेजो को जैस्मिन ले जाएगी एक खुफिया जगह पर जहाँ पर एक बड़ा गोडाउन होगा। इसे देखते ही जैस्मिन से तेजो कहेगी कि ये हॉस्पिटल तो नहीं लगता, लेकिन जैस्मिन कहेगी नहीं, अंदर हॉस्पिटल ही है। अंदर ले जाने के बाद दरअसल ऑटो रिक्शे वाला और जैस्मिन हमला कर देंगे तेजो पर, और तेजो दरअसल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इस पर अपना गुस्सा निकालती हुई जैस्मिन नजर आएगी। वो उसे सभी बातें कहेगी कि किस तरह से फतेह तेजो की वजह से दूर हो गया और पगली होने के बावजूद भी उसने फतेह का पीछा नहीं छोड़ा। इस तरह से बहास निकालती हुई नजर आएगी जैस्मिन, और जैस्मिन उस पूरे गोडाउन में आग लगा देगी और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाएगी। जैस्मिन अपना पूरा बदला ले लेगी तेजो से, और इसी बीच आप देखेंगे कि तेजो काफ़ी देर परेशान होने के बाद चक्कर खाकर उसी गोडाउन में नीचे ज़मीन पर गिरी हुई नजर आएगी और पूरे गोडाउन को आग के हवाले करके जैस्मिन दरअसल वहां से जाती हुई नजर आएगी। इसके बाद क्या होगा ये आने वाले सीरियल के अपडेट में पता चलेगा। इसी तरह के ताज़ातरीन अपडेट्स होते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।